केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के जामताड़ा में पार्टी की रैली को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने कश्मीर का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राज्य में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 370 हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक हर मौके पर कांग्रेस ने सरकार का विरोध किया, लेकिन अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है, लेकिन इससे कांग्रेस परेशान है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को 370 के हटने पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, धारा 35 हटाई, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? अभी कांग्रेस वालों को पेट में क्या दुखता है भाई? मोदी जी धारा 370 को हटाने के लिए बिल लेकर आए, वोटिंग हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टास्क और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की एक और साजिश किस तरह से बेनकाब हुई है ये आपको दिखाते हैं। 12 और 13 सितंबर के बीच पाकिस्तान की बैट ने हाजीपुर सेक्टर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और रेंगकर सरहद पार कर रहे आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले 10 और 11 सितंबर को भी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश हुई थी और तब भी भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया था। जवाबी कार्रवाई से थर्राए पाकिस्तान ने तब अपने सैनिक का शव ले जाने के लिए सफेद झंडा दिखाया था। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने दोबारा घुसपैठ की कोशिश की है और इसे एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पीओके के बारे में ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा से कहा है कि पीओके हमारा है, ठीक है, ये कोई नया बयान नहीं है, वही चीज है। और ये भारत का सही दृष्टिकोण है, तभी तो हम उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। कम से कम हम दूसरे के घर में जाके खेलने लगे कह सकते हैं, पहले तो अपना घर ही बचाने में लगे रहते, कम से कम अपनी बातचीत तो बंद हुई है कम से कम। हम हिंदू राष्ट्र की और अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो मुझे इसमें लगता है कि आने वाले समय में भारत के नक्शे में फिर से पीओके जुड़ेगा और पाकिस्तान से नक्शे से कटेगा।